नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। और इस समय आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पर एक बाइक खड़ा है और उसके साथ ही एक स्कूटी भी यहाँ पर खड़ी है। तो हम आपको बता दें कि शिमला में रेंट ए बाइक एक सुविधा शुरू हो गई है और अब आप शिमला की और इसके आसपास के जो पर्यटन स्थल हैं उनका इन दोपहिया वाहनों में लुत्फ उठा सकते हैं। शिमला की हसीन वादियों का इन दोपहिया वाहनों में लुत्फ उठा सकते हैं। जी हाँ, अब शिमला में आपको रेंट ए बाइक स्कीम के तहत यहाँ पर आपको भाड़े पर बाइक मिलेगी, स्कूटी मिलेगी, जो भी आपकी मनपसंद दोपहिया वाहन है। या बात की जाए जिस तरह से ये एवेंजर है और ये साथ में स्कूटी है, उसी के साथ साथ यहाँ पर बात की जाए जो बुलेट और जो अन्य दोपहिया वाहन हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो हमारे पास टूरिज्म स्टेक होल्डर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं महेंद्र सेठ, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से हम ये ले सकते हैं। सर, एक शिमला में अपनी तरह की एक अलग पहल शुरू की गई है, तो किस तरह की ये पहल है? क्योंकि बात की जाए जिस तरह से पहले यहाँ पर किराए पर टैक्सी अवेलेबल होती थी पर्यटकों को, तो अब दोपहिया वाहन ये एक स्कीम शुरू की है, तो किस तरह की ये स्कीम है और किस तरह से इसका फायदा लोग उठा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि हमारा बड़ा कंजस्टेड सी सिटी है और इसमें जो है टूरिस्ट को जो है अब बहुत अच्छा एक मौका मिलेगा कि वो मोटर बाइक रेंट करे। और ये सेल्फ ड्राइव मोटर बाइक सिस्टम है जिसमें अपने आप वो चला के लेके जाएगा। और जो अनएक्सप्लोर्ड हमारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जैसे हम एनएडेल की बात करते हैं, जैसे हम एडवांस स्टडीज़ की बात करते हैं जहाँ बहुत कम लोग टूरिस्ट जा रहे हैं, शंकरपोचन की बात करते हैं, तारा देवी टेम्पल की बात करते हैं, या हमारा जुनगा में कोई पैराग्लाइडिंग है उसकी बात करते हैं, या वाटर स्पोर्ट्स हैं हमारे तत्ता पानी में, फिर हमारे पास एक बड़ा चक्र किरणों में एक जो है नेचर पार्क है, और इस तरह से हमारे कुफरी से अगर आगे जाएँ तो हमारे एडवेंचर पार्क्स हैं, हट्टू पीक है नारकंडा में। तो अब उनको एक जो एक फ्री हैंड मिल जाएगा टूरिस्ट को कि वो एक मोटर बाइक के माध्यम से, उसको कोई ट्रैफिक में कोई ऐसा फंसने वाली बात नहीं है। बड़ी गाड़ी होगी ट्रैफिक में लाइन लगी रहेगी, छोटी गाड़ी है ये वैसे भी निकल जाएगी। और इससे जो है मैं समझता हूँ कि जो हमारी सबसे बड़ी समस्या जो है शिमला में, जो अगर हम बात करें तो एक दिन का केवल हमारी जो स्टे है शिमला में वो स्टे बढ़ेगी। जब टूरिस्ट की स्टे बढ़ेगी तो इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट भी ज़्यादा आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो आदमी एक दिन आता है, एक दिन 1000 गाड़ी आ गई, वो अगले दिन फिर और दूसरी 1000 गाड़ी आ गई, तो उसको भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब आपके ऑलरेडी अकोमोडेशन यहाँ फुल होंगी और टूरिस्ट जगह का जो स्टे जो है 3 से 4 दिन होगा, तो डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत बेनिफिट की चीज़ है। और मैं सरकार का ये बहुत एक धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये रेंट ए बाइक स्कीम को लॉन्च किया है, और हम समझते हैं कि ये टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे वो इसको पूरा लुत्फ उठा पाएंगे। क्योंकि अगर आप देखें कि अगर आप टैक्सी में बैठे हैं तो आप सिर्फ टैक्सी के ड्राइवर के ऊपर मनोसर हैं, वो आपको क्या बताता है, या अगर आपने आप गाड़ी चला के जा रहे हैं तो आपको ये नहीं मालूम है कि कहाँ पर गाड़ी रोकनी है, कहाँ पर क्या करना है। मोटर बाइक ओपन चीज़ है, अगर आपको कहीं रास्ते में भी कोई अच्छी सी सीनिक ब्यूटी लगती है तो आप गाड़ी रोक के थोड़ी देर उसको इंजॉय कर सकते हैं, उसको अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। और इससे हमारे हिमाचल को जो है वो ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी, बिकॉज अभी तो सिर्फ कुफरी और वो ऊपर कुफरी ले जाते हैं या फिर आपका माल रोड पे आते हैं, तो उससे जो है इसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। सर, बात की जाए जिस तरह से किस तरह से ये आइडिया आया कि रेंट ए बाइक यहाँ पर शुरू किया जाए? देखिए, काफ़ी देर पहले जो हमने टूरिज्म यूनिट में कुछ चीज़ें ऐड करवाई थी और हमने ये आग्रह भी किया था, क्योंकि लोग जो थे वो अभी तक जो रेंट ए बाइक मिल रहे थे वो या तो चंडीगढ़ से लेके आते थे या दिल्ली से लेके आते थे, और या कुछ लोग यहाँ हिमाचल में जो ऑपरेट कर रहे थे वो इलीगली ऑपरेट कर रहे थे। तो टूरिस्ट की डिमांड तो है, अब उसने किन्नौर जाना है और कहीं ऑफ रोडिंग पर जाना है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि हमारे जो सरकार ने, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, अपना ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मिलकर जो ये पहल की है, जो ये इन्होंने रेंट ए बाइक स्कीम जो चलाई है, ये जो है बड़ी एक अच्छी स्कीम है। और इसके अंदर हमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और उसके साथ साथ जो है जो टूरिस्ट है उसको भी एक फ्री हैंड मिलेगा, अपने मर्जी से जिस तरह से वो घूमना चाहता है, एट हिज ओन कन्वीनियंस ही कैन गो अराउंड द शिमला सिटी एंड अराउंड। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं पर जो बाइक्स हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से रेंट पर बाइक ले सकते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना है? मेरा नाम रणदीप सिंह है और ये गगनदीप है। हम दोनों मिलके हाईलैंडर बाइक रेंटल्स के नाम से हमने कंपनी शुरू करी है, ओल्ड बस स्टैंड शिमला से।
तो सर किस तरह की आपके पास बाइक्स हैं, बात कीजिए, जैसे स्कूटी है और यहाँ पर अभी एवेंजर रखा हुआ है। हमारे पास सर स्कूटी है जो कि एक बेसिकली फीमेल राइडर के लिए या किसी यू नो जो ज्यादा एमेचर राइडर्स हैं उनके लिए स्कूटी से शुरू होते हैं, और यू नो हमारे पास यामाहा के मोटरसाइकिल्स भी हैं, हमारे पास हीरो के मोटरसाइकिल्स भी हैं, और रॉयल एनफील्ड के एडवेंचर मोटरसाइकिल्स तक हम कैटर करते हैं, जिसमें आपका है रॉयल एनफील्ड हिमालयन जो कि स्पीति और लद्दाख के टूर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बाइक है। तो किस तरह से लोग इस सुविधा का लाभ ले सकते सर? हमारा नंबर्स जो है हमारे ऑनलाइन है, हमारे पास वेबसाइट भी है, तो उसमें आप जाके हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आप हमारे पास आते हैं तो विल रिक्वायर अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, साथ में आपका आधार कार्ड, उसकी हम कॉपी रखेंगे, और एक छोटा सा हम जो है आपसे एक रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट लेंगे, जो आप अगर कोई डैमेजेस होती है तो उसके अगेंस्ट उसको हम सेटल करेंगे। एंड देन यू कैन रेंट आउट द बाइक पूरे हिमाचल के लिए कर सकते हैं, आप शहर हिमाचल से बाहर जाना है अगर आपने तो हिमाचल से बाहर जाने के लिए भी ले जा सकते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट का टैक्स देना पड़ेगा और यू कैन राइड आउट ऑफ हिमाचल। बात की जाए जिस तरह से शिमला में ही आपका ये हाईलैंडर का ये जो आपने शुरू किया है, या बात की जाए अन्य सिटीज जो हिमाचल में है वहाँ पे भी ये सुविधा आपने रखी है? सर हमारा जो मेन हेड ऑफिस है वो अभी शिमला में ही है, तो अभी वी आर इन द बर्निंग स्टेज, तो अभी हम हिमाचल में शिमला में ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो यस अभी फ्यूचर प्लान्स हैं, सो वंस वी आर सेटल इन शिमला देन वी विल डेफिनेटली लाइक टू मूव अराउंड द स्टेट एज़ वेल। बाकी डिमांड की बात की जाए जिस तरह से आपने शुरू किया है, तो किस तरह से आपको लगा कि ये शुरू करना? सर करीबन 6-8 महीने में सर हमने 5 बाइक से शुरू किया था, तब हमारे पास 15-16 बाइक्स हो गए हैं सर, तो डिमांड है तो तभी सर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो और जिस तरह से कहा कि वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं, और जिस तरह से बात की जाए फीमेल राइडर हो या मेल राइडर हो तो इन सुविधा का लाभ ले सकते हैं। दुपहिया वाहन पर आप शिमला के जो पर्यटन स्थल है, हिमाचल के पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पर जा सकते हैं और इन दुपहिया वाहन की सवारी का आनंद ले सकते हैं। जिस तरह से बात की जाए देख रहे हैं आप, यहाँ पे एवेंजर है, स्कूटी है, और इन्होंने कहा कि यहाँ पर एनफील्ड और जो अन्य बाइक हैं वो भी इनके पास उपलब्ध हैं, और आप इनकी वेबसाइट पर आकर बुकिंग कर सकते हैं। और जिस तरह से फॉर्मेलिटीज़ की बात की कि फॉर्मेलिटीज़ एक मिनिमम से अमाउंट रखा गया है, और उसके बाद आपका आधार कार्ड जो पहचान रहती है कि कहाँ से आप हैं, तो ये जो सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद आप इस सुविधा का, और साथ में एक खास बात आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो नंबर प्लेट है, बाकी जो नंबर प्लेट्स रहती हैं वो वाइट नंबर प्लेट्स रहती हैं, पर यहाँ पर ये ब्लैक नंबर प्लेट्स रहती हैं। तो सर एक बात जानना चाहेंगे, ये जो ब्लैक नंबर प्लेट्स है ये क्यों लगाई? सर ये रेंटल बाइक्स हैं सर, आज से पहले जो हिमाचल में या शिमला में लोग कर रहे थे सर वो वाइट नंबर प्लेट्स पे कर रहे थे, विच इज़ अ लीगल इशू। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है एंड यू नो गॉड फॉरबिड किसी को एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर नहीं करती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास लाइसेंस है, वी हैव अ लाइसेंस एज अ ऑपरेटर टू ऑपरेट कमर्शियल मोटरसाइकिल्स इन हिमाचल, तो उसकी वजह से जो नंबर प्लेट है वो ब्लैक नंबर प्लेट है विद अ येलो नंबर ऑन इट, या वाइट नंबर होता है इसके ऊपर। तो ये जो है ये एक लीगली मतलब कंप्लीटली लीगल रजिस्टर्ड विद आरटीओ शिमला एक एंडवर है। तो जिस तरह से इन्होंने बताया है कि बकायदा यहाँ पर ब्लैक नंबर प्लेट्स लगाई गई हैं, और इससे पहले यहाँ पर दी जाती थी बाइक से बात की जाए ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन बात यहाँ पर ये जो की गई है सुविधा शुरू की गई है, ये बकायदा रजिस्टर पंजीकृत करके ये सुविधा शुरू की गई है, और आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो दर्शकों अभी तक इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।